अल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल देन द रसूल ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। प्रैक्टिकली मीन अमली तौर पर प्रूव्ड, साबित किया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर यह साबित किया कि नो वन कुड बी मोर जस्ट। जस्ट का मतलब इंसाफ होता है, इसी से जस्टिस बने, ठीक है, और बतौर एडवर्ब जस्ट का मतलब सिर्फ भी होता है। तो कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इंसाफ पसंद एंड इक्विटेबल और आदिल नहीं था। इक्विटेबल मीन फेयरली डीलिंग करना, आदिल करना, अदल करना, तो इक्विटेबल आदल, अदल करने वाला। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर यह साबित किया कि कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा आदल और मुनसिफ नहीं था। अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह ताला कादर होता, ऑलमाइटी कहते हैं ऑल पावरफुल, जिसके पास सारे इख्तियार हों, जिसका हम उर्दू में तर्जमा करते हैं कादर मुतलक, यानी कि जिसका इख्तियार बियॉन्ड लिमिट हर जगह पर। एज अ यंग ट्रेडर, बतौर एक नौजवान ताजर, ट्रेडर तजारत करने वाला ट्रेड थे, ही अर्न्ड अ गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। अन का मतलब कमाना, यहां पर हम चाहे तो इसका तर्जमा कमाने के अलावा पाना या हासिल करना, ये दोनों इसके मीनिंग किए जा सकते हैं। बतौर एक नौजवान ताजर के आपने शोहरत पाई, ठीक है, रेप्यूट शोहरत को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहरत कमाई, शोहरत पाई, ये दोनों मीनिंग आप कर सकते हो। और कौन सी शोहरत पाई? ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार, फेयर, एक आदर एंड जस्ट बिजनेसमैन, और एक इंसाफ पसंद कारोबारी शख्सियत के तौर पर। बिजनेसमैन कारोबारी शख्सियत, कारोबार करने वाले शख्स को कहा जाता है। ताजर ही इसका तर्जमा हो सकता है कि बतौर एक नौजवान ताजर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छे आप सल्लम ने एक ईमानदार, एक इंसाफ पसंद और एक आदल कारोबारी शोहरत वाले शख्सियत की हैसियत से शोहरत पाई। He always had fair and just dealing with all peoples. हमेशा दूसरे लोगों के साथ आपकी डीलिंग, डीलिंग कहते हैं लेन देन को, ठीक है, डीलिंग करना, लेन देन करना, कारोबार करना, तमाम लोगों के साथ आपका लेन देन हमेशा इंसाफ पसंदाना और आदलाना था। फेयर एंड जस्ट मीन मुनसिफाना, इंसाफ वाला, और जस्ट आदलाना, अदल वाला। दूसरे लोगों के साथ आपका लेन देन हमेशा मुनसिफाना और आदलाना था। व्हेन द काबा वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ये पैसिव सेंटेंस है, एक्टिव नहीं है पैसिव। जब काबा की तामीर की जा रही थी, ठीक है, देयर अरोज अ डिस्प्यूट अमंग द पीपल, तो लोगों के दरमियान एक डिस्प्यूट, तनाजा, झगड़ा, लड़ाई, अरोज पैदा हो गया। अराइज की सेकंड फॉर्म है अरोज। अमंग का मतलब होता है दरमियान। अच्छा, दरमियान के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, बिटवीन भी यूज होता है और अमंग भी यूज होता है। बिटवीन दो लोगों के दरमियान लेन देन हो, मामला हो, तो बिटवीन का वर्ड यूज करते हैं, और जब तादाद दो से ज्यादा चली जाए तो फिर अमंग का वर्ड यूज करते हैं। रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, रिगार्डिंग का मतलब के मामले में, के सिलसिले में, तो हजरे ब्लैक स्टोन, काला पत्थर, ऐसा लफ्जी तर्जमा बन रहा है, लेकिन यहां पर हम इसका तर्जमा करेंगे हजरे अस्वद। तो हजरे अस्वद की सेटिंग का मतलब, सेट का मतलब कायम करना भी होता है, तश्कील देना भी होता है, ठीक है। तो हजरे अस्वद के
तनसीब के मामले में लोगों में एक झगड़ा पैदा हो। He devised a more equitable plan for the setting of the black stone. Device का मतलब सोचना भी होता है, device का मतलब तरकीब निकालना भी होता है, device का मतलब यहाँ पर हम कहते हैं पेश करना भी होता है। तो ब्लैक स्टोन की तनसीब के हवाले से, हजरे अस्वद की तनसीब के हवाले से आपने एक बहुत ही मुनसिफाना प्लान, मंसूबा पेश किया या एक मंसूबे की तजवीज दी। डिवाइस का नाम है तजवीज देना, पेश करना, तरकीब निकालना भी होता है, किसी मामले की तरकीब निकाल लेना, ये भी इसका एक सेटिंग वर्ड यूज हो सकता है। तो हजरे अस्वद की तनसीब के हवाले से आपने एक बहुत ही मुनसिफाना मंसूबा पेश किया, तजवीज किया। दिस प्लीज्ड एवरीवन, जिससे हर कोई प्लीज हो गया, खुश हो गया। प्लीज का मतलब खुश हो जाना, खाली इसके वर्क के तौर पर प्लीज जैसे हम आमतौर पर यूज करते हैं ना, प्लीज बराए मेहरबानी, या वर्क के तौर पर यूज हो तो इसका मतलब होता है खुशी होता है, प्लीज होना, खुश होना। इसी से वर्ड प्लेशर बना है, मुसर्रत, इससे हर कोई खुश हो गया। एंड सेव देम फ्रॉम द ट्राइबल कंफ्लिक्ट, ट्राइबल वर्ड निकला ट्राइब से, और ट्राइब का मतलब क्या होता है, कबीला, और ट्राइबल कबाइली, और कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं तनाजे को, कहिए वर्ड तनाजा, झगड़ा, लड़ाई। इससे हर कोई खुश हो गया, जिससे क्या हुआ कि वो कबाइली तनाजे से, झगड़े से, कश्मकश से बच गए। ब्लॉग में क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड द सूर रिजॉल्व द इश्यूज, पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इशू, इस झगड़े का कैसे रिजॉल्व किया, सॉल्व किया, हल किया। तो कैसे आपने हल किया, तो द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजॉल्व द इशू बाय डिवाइजिंग द इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। हजरे अस्वद की तनसीब के लिए आपने एक बड़ा मुनसिफाना मनसूबा जो है वो पेश करके इस झगड़े को हल किया था, ठीक है। और वैसे तो आपको पता वो क्या सारा मामला था, जो कि आपने इस झगड़े को निपटाया था कि चादर पे डाल के उन्होंने उसकी तनसीब की थी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।